बिहार बोर्ड के जितने भी छात्र हैं बिहार की ओर से 5 बड़ी खबर निकल के आ रहा है। यहाँ पे लेकर परीक्षा के लेकर डमी एडमिट कार्ड के लेकर स्कॉलरशिप का लेकर के 2023 में जो एग्जाम देने वाले हैं रजिस्ट्रेशन कार्ड लेकर के, यानी सभी इन्फॉर्मेशन लेकर के यहाँ पे 5 सबसे बड़ी खबर यहाँ पे निकल के आ रहा है, जो कि हम इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिया, चूंकि मैं इस वीडियो में और इस तरह की वीडियो आपको लेकर आते रहते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे जितने भी छात्र मैट्रिक या इंटर परीक्षा 2022 में देने वाले हैं उनका डमी एडमिट कार्ड में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी है तो उसका सेकेंड डमी एडमिट कार्ड तो जारी किया गया था 2 दिन पहले, जो कि हमने पिछले वीडियो में आपको बताए थे। लेकिन हम यहाँ पे बात करेंगे अभी अभी आपका थर्ड यानी तीसरा डमी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा, जिसमें जितने भी छात्र यानी 3 नवंबर तक जो भी अपना रजिस्ट्रेशन कर सॉरी यहाँ पे जो है डमी एडमिट कार्ड के लिए अप्लाई किए थे यानी जो फॉर्म भरे थे और जो भी त्रुटि था उसको सही करके यहाँ पर जारी कर दिया गया है, तो उसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में। वहीं मैं बात करूँगा जो भी विद्यार्थी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए भी बिहार बोर्ड के द्वारा जो यहाँ पर मौका दिया गया है रजिस्ट्रेशन कराने का डेट जो है जारी कर दिया गया है, जो कि 18 नवंबर तक है। किस छात्रों को कितना पेमेंट लगेगा ये भी हमने आपको पिछले वीडियो में डिटेल्स में आपको चर्चा किए थे। और इस वीडियो में हम बात करेंगे आपको डमी एडमिट कार्ड कैसे आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल आपको किसी एक थोड़ा सा ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, जिस ऐप के बारे में हम बताएंगे, जिस ऐप से आप काफ़ी बिहार बोर्ड के सारे काम होते हैं उसमें आप सारी चीज़ की जानकारी ले सकते हैं, तो उस ऐप के बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। वहीं मैं बात करूँगा यहाँ पर उस ऐप के बारे में सबसे पहले बात करूँ तो उस ऐप का नाम है BSV मोबाइल ऐप, जिसको जो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, जहाँ से आप डाउनलोड कर करके आप उस पर अपना रजिस्ट्रेशन यानी सारा चीज़ भर करके अपना डमी एडमिट कर हैं और वहाँ से आप बिना स्कूल के सीधे सारे प्रोसेस कर आप सही भी करवा सकते हैं। ऐसे बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर जी का घोषणा है और ये कई बच्चे किए भी हैं और आप भी कर सकते हैं। तो अभी आप जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से मिल जाएगा, वहाँ से आप जो है उस ऐप को डाउनलोड कीजिए या फिर आप प्ले स्टोर पर जाकर के उस ऐप को डाउनलोड करके और अपना डमी एडिट कर प्राप्त कर सकते हैं। वहीं मैं परीक्षा पैटर्न लेकर बात करूँ तो परीक्षा पैटर्न में भारी चेंजेस किया गया। यहाँ पर मैं बता दूँ कि जितने भी छात्र इस बार बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और जितने भी छात्र पिछले साल एग्जाम दिए थे उन्हीं के कॉपी जो बच गया था यानी पिछले साल के स्टूडेंट जो एग्जाम दिए थे और उस समय जो कॉपी बिहार बोर्ड के द्वारा जारी किया गया था उस कॉपी में काफ़ी कॉपी जो है बच गया है, तो उस कॉपी से ही आपका एग्जाम होने वाला है। सेम टू आप समझ जाइए कि आपका एग्जाम पैटर्न जो है सेम पिछले साल की तरह ही रहने वाला है, क्योंकि कॉपी पिछले साल वाले हैं तो क्वेश्चन पैटर्न भी पिछले साल की तरह रहने वाले हैं, यानी हर सब्जेक्ट में आपको 100% ऑब्जेक्टिव और प्लस सब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें आपको मात्र 50% ही बनाना होगा। ये काफ़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए, तो इसलिए तो आप लोग इस वीडियो को काफ़ी शेयर कीजिए, सभी बच्चे को इसका जानकारी दीजिए और मैं इस तरह की जानकारी आपको यहाँ पर लेकर आते रहते हैं। वहीं मैं बात करूँगा स्कॉलरशिप का लेकर के, तो स्कॉलरशिप के जितने भी छात्र हैं यदि अभी तक वो ऑनलाइन नहीं किए हैं, जो भी छात्र मैट्रिक पास है या फिर मैट्रिक में पढ़ रहे हैं या फिर इंटर पास हैं, तो उन सभी के लिए मौका यहाँ पर दिया गया। हमने तो आपको डिटेल्स में सारे वीडियो में बताते रहते हैं, आप पुराने होंगे तो आपको बिल्कुल तरह से पता होगा कैसे आप ई कल्याण का मुख्यमंत्री छात्र योजना ले सकते हैं, किस प्रकार आपका साइकिल का पैसा आया या फिर नहीं आया। तो मैं बात करूँगा साइकिल का पैसा भी आपको दीपावली में आज तक बोला गया था आ जाएगा, तो वहीं मैं कितने छात्रों के खाते में आया है, कई छात्रों के खाता में नहीं आया, यानी आपको 100% में मात्र 20% छात्र के खाते में ही रुपया आया है, उसमें भी पूर्ण रुपया नहीं आया है। इस तरह से आप भी अपना अकाउंट को चेक करवा सकते हैं, यदि आप में आ गया है तो अच्छी बात है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में रुपया आया या फिर नहीं आया। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको इस तरह की खबर आपको देखने को मिला है। तो आगे बढ़ते हैं, मैं सबसे बड़ी खुशखबरी की बात करूँ कि जो भी छात्र इंटर यानी 2023 में एग्जाम देने वाले हैं उनको रजिस्ट्रेशन कराने का यहाँ पर विशेष मौका मिला है, यानी जो 4 साल तक इसका अवेलेबल हो जाएगा, यानी जो बच्चे अभी से 4 साल पीछे भी अगर एग्जाम नहीं दे पाए थे या इंटर में एडमिशन नहीं ले पाए थे, वैसे छात्र भी अभी इंटर में एडमिशन लेकर के और वो रजिस्ट्रेशन करवा कर एग्जाम इस बार दे सकते हैं, यानी काफ़ी छात्र पीछे जैसे एग्जाम नहीं दे पाए थे 20 में या 21 में या फिर 18 में, उन स्टूडेंट को भी मौका मिला और इस बार जो रजिस्ट्रेशन का उसका उन्होंने 4 साल कर दिया गया है बिहार बोर्ड द्वारा। इस तरह की जानकारी आपको यहाँ से मिलते रहता है। तो हम इस वीडियो में आपको सारे जो भी 5 खबर था 5-6 खबर था न्यूज़ था आपको सारी चीज़ बता दी है, प्रोसेस के साथ बता दी है, आप आसानी से वहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस तरह की न्यूज़ आपको यहाँ पे लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय।